Hello all and welcome back to another video. My name is Aman Gojre and you are watching Tech Talk. And guys, in this video we are going to talk about the Poco X2. Guys, ये एक full review video है Poco X2 की. यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इसके pros के बारे में भी और इसके cons के बारे में भी. जो चीज़ें मुझे इस फ़ोन में अच्छी लगी उनके बारे में भी और जो चीज़ें मुझे इस फ़ोन में ज़्यादा पसंद नहीं आई उनके बारे में भी. सो अगर आप इस फ़ोन को बाय करने वाले हो तो ये वीडियो फुल ज़रूर देखना एंड आपकी डेफिनेटली हेल्प जो है वो होने वाली है अपना डिसीजन लेने में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें. दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के साथ. अगर मैं यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो मुझे काफ़ी मिक्स्ड सी फीलिंग आई है. यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा कॉन्स के साथ. तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की तो ये फ़ोन ना जो है वो थोड़ा हाथ में आपको मोटा फील होने वाला है. फ्रंट और बैक साइड पे दोनों साइड पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से इसकी जो मोटाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. यहाँ पे इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आपको फ़ोन जो है वो मोटा फील होने वाला है. बट वेट बैलेंसिंग जो है मैं कहूँगा वो अच्छे तरीके से की गई है बिकॉज हाथ में जो फ़ोन है वो ज़्यादा हैवी फील नहीं होता. हाँ, मोटा फील ज़रूर होगा. और गोरिल्ला ग्लास 5 होने की वजह से यहाँ पे इसकी बैक पिन है जो फिंगरप्रिंट के निशान भी छपने वाले हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि फ़ोन पे केस लगा के रखना पड़े ज़्यादा टाइम. एंड ग्लास है, ऑब्वियसली ग्लास टूट भी सकता है तो उसकी वजह से केस मैं रेकमेंड भी करूँगा कि आप लगा के रखें. तो केस लगाने के बाद ये जो फ़ोन है वो थोड़ा सा और मोटा आपको फील होने वाला है. सो ये मुझे इसकी जो है वो एक कमी लगी. सेकेंड कमी जो है वो मुझे इसके डिज़ाइन एंड कलर वाइज लगी. अब डिज़ाइन इसका ऐसा है कि पहले मुझे इसका डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था बट जैसे जैसे मैंने इस फोन को यूज़ किया उसके बाद ये जो डिज़ाइन है मुझे थोड़ा बढ़िया लगने लग गया. बट अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ये डिज़ाइन लगता है. प्लस पोको जो कलर प्रोवाइड करवाता है वो थोड़े भड़कीले से कलर हैं. एक दो तो उसमें गर्लिश कलर आपको देखने को मिल जाता है. एक कलर जो है वो ब्लू कलर का जो मेरे पास फ़ोन है वो आपको कुछ बॉयज़ टाइप का कलर देखने को मिल जाएगा. तो सेंसिटिव सा कलर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता तो पोको को एक सेंसिटिव सा कलर इसमें ज़रूर डालना चाहिए था. इसी के साथ ही दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसके सिम स्लॉट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है. तो या तो आप 2 सिम कार्ड्स यूज़ कर पाएंगे या फिर एक सिम कार्ड साथ में मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाएंगे. बट ये जो फ़ोन है ये 128GB वाले वेरियंट में भी आता है 17,000 रुपये की कीमत के अंदर, जो कि मेरे पास ये मोबाइल है इस टाइम. तो 128GB की जो मेमोरी होती है वो इनफ होती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेमोरी कार्ड की ज़रूरत है. तो यहाँ पे ये जो है वो चीज़ बैलेंस ही हो जाती है, कुछ यहाँ पे आपको ज़्यादा माइनस पॉइंट इसका देखने को नहीं मिलेगा. साथ ही में अगर मैं गाइस यहाँ पे बात करूँ इसके 3.5mm के ऑडियो जैक की और स्पीकर्स के आउटपुट की तो स्पीकर्स इसके मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के लगे. और अगर मैं बात करूँ हेडफोन जैक की तो उसकी भी आउटपुट जो है वो मुझे अच्छी खासी लगी, कुछ भी ऐसे मुझे कंप्लेंट नहीं है. और स्पीकर्स में स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे लगे बिकॉज उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है. अब लाउड हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बेकार आवाज़ देखने को मिलती है, ठीक ठाक आपको आवाज़ देखने को मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग. वहीं पे अगर मैं कॉल कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कॉल कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है आपको. और इंटरनेट कनेक्टिविटी में मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ. इंटरनेट जो है वो मेरा अच्छा खासा फास्ट जो है वो रन कर रहा था तो कनेक्टिविटी वाइज मुझे कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई. हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि अभी थोड़ी सी सर्दी है जिसकी वजह से फ़ैन वगैरह बंद है तो अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो इसकी जो वॉइस है वो काफ़ी लाउड है तो जो बाहर लोग खड़े हुए हैं आपके आसपास उनको भी वो आवाज़ सुनाई दे सकती है बिकॉज काफ़ी लाउड है इसका ईयर पीस. तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना. ओके गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके डिस्प्ले की तो इसके डिस्प्ले ने ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुड़गम सा मचा दिया था मार्केट में बिकॉज कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे इसके अंदर आपको एमोलेड देखने को मिलना चाहिए था, कुछ लोगों का कहना था कि IPS बढ़िया है. तो डिस्प्ले जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में रहा. तो डिस्प्ले की बात सबसे पहले मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको इसके साथ प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी बात है. बट स्टिल आप जो है वो एक मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखना ताकि और ज़्यादा सिक्योर आपका फ़ोन ना, आपका फ़ोन जो है वो टूट भी सकता है जैसे कि मेरा Redmi Note 7 Pro टूट गया था. अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक जो है वो आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वो वीडियो चेकआउट करना, मस्त वीडियो है. ओके, बैक टू द Poco X2 डिस्प्ले. तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी. चाहे मैं इंडोर कंडीशंस की बात करूँ चाहे मैं आउटडोर कंडीशंस की बात करूँ, ब्राइटनेस वाइज मुझे कुछ भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिली.
तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँ ना Realme के X2 के साथ, तो उससे जो है मुझे इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। तो सिर्फ सुपर एमोलेड होना ही कुछ नहीं होता दोस्तों, एमोलेड के अंदर भी यहाँ पे क्वालिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो जो इस डिस्प्ले की मुझे क्वालिटी देखने को मिली, बिकॉज आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, प्लस IPS डिस्प्ले जो है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। डिस्प्ले ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एमोलेड की वजह से मैं इस फोन को ना खरीदूँ, तो बिल्कुल भी कुछ ऐसे बात नहीं बनती। और अब बात करते हैं इसकी सबसे हाइप वाली फीचर की, जो कि है इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो देखो 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ना, वो एक थोड़ी गिमिक सी टाइप है, यहाँ पे मिक्स्ड फीलिंग आपको देखने को मिलने वाली है। बिकॉज 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले सिर्फ तब काम करती है जब आप फोन को जो है वो नॉर्मल यूज कर रहे हो, यानी कि UI के अंदर फोन को यूज कर रहे हो, सेटिंग वगैरह ओपन करोगे। अगर आप कुछ भी ऐप वगैरह ओपन करते हो तो वो जो है, अगर आप 120 हर्ट्ज या गेम जो है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट नहीं करती, तो 120 हर्ट्ज का कोई फायदा नहीं है, ये फोन जो है वो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पे स्विच कर जाएगा। तो 120 हर्ट्ज यहाँ पे आपको स्नैपी तो फील होगी, लेकिन जब आप इसको UI को यूज करोगे तब अच्छी फीलिंग आएगी। हाँ, और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ, तो ये जो प्रोसेसर है वो 120 हर्ट्ज को अच्छे से हैंडल कर लेता है। अगर आपको ये लगता है कि ये मतलब प्रोसेसर 120 हर्ट्ज को मतलब नहीं झेल सकता, तो बिल्कुल गलत सोचते हो आप। अच्छे से ये जो फोन है वो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले को संभाल लेता है। तो अगर आप सिर्फ इस फोन को 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के कारण ले रहे हो तो मत लो यार। बट अगर हाँ, ये इसमें एक पॉजिटिव फीचर तो है ही कि इसके अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, बट इसकी अदर फीचर्स को भी आप ध्यान में रखो और उसके बाद आप इस फोन को बाय करो। सिर्फ 120 हर्ट्ज के लिए इस फोन को मत बाय करो। ओके, तो अगर हम बात करें इसके कैमरास की, तो फ्रंट साइड के कैमरास मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, बिकॉज यहाँ पे डुअल पंच होल कैमरास आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहले हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल का आपको मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। ऐसे डेप्थ सेंसर का मेन कुछ काम तो नहीं है, बट डेप्थ सेंसर की वजह से जो है वो आप बोके वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, तो बस इतना ही यहाँ पे आप डेप्थ सेंसर के साथ कर सकते हो, यही उसका बेनिफिट है। ओके, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके मेन कैमरा की, तो 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो मुझे बढ़िया लगा। ये वीडियो जो है ये भी मैं पोको X2 से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको जो क्वालिटी है उसका अंदाज़ा लग जाए यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पिक्चर्स की, तो पिक्चर क्वालिटी डे लाइट में मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। यहाँ पे कलर्स जो हैं वो ठीक देखने को मिल जाते हैं। थोड़े से यहाँ पे आपको फील होगा कि ऑलरेडी जो इफेक्ट है, जो पोको की AI है, कि वो इफेक्ट लाइक इमेज जो है वो निकल रही है, तो आपको पूरे ऐसे थोड़ा कलर वाला मसाला देखने को जरूर मिल जाएगा। और अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की भी बात करूँ, तो पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पे ठीक ठाक काम करता है। कुछ फोटोज़ में मुझे है जो वो एज डिटेक्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, लेकिन एक दो फोटो में ही मुझे यहाँ पे, अगर मैं 10 में से बोलूँ तो 2 फोटोज़ में ये एज डिटेक्शन की प्रॉब्लम ज़रूर करेगा। और अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूँ, तो डायनेमिक रेंज मुझे इस फ़ोन की पसंद नहीं आई। फ्रंट कैमरा में अगर आप डायनेमिक रेंज में देखोगे, तो बैक का जो स्काई है वो पूरा ही वॉश आउट हो जाएगा, आपको कुछ भी कलर्स नज़र नहीं आने वाले। हाँ, अगर आप HDR मोड ऑन करोगे तो उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली कुछ करेगा, और सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो बैकग्राउंड में स्काईज के जो थोड़े बहुत कलर लेके आएगा। बट ओवरऑल जो इसका कैमरा है वो मुझे बढ़िया लगा। लो लाइटिंग कंडीशन में भी बात करूँ तो ठीक ठाक पिक्चर्स ले लेता है। अगर मैं इसको मार्क्स दूँ, तो 10 में से मैं इसको 8 या 8.5 मार्क्स देना चाहूँगा, बिकॉज ठीक है यार, कैमरा बढ़िया काम कर लेता है फ्रंट वाला। ओके, तो बैक साइड की अगर हम कैमरास की बात करें, तो बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। अगर मैं मेन शूटर की बात करूँ, तो मेन शूटर यहाँ पे बहुत ही अच्छी फोटोज लेता है, चाहे वो डे लाइट हो चाहे वो लो लाइट हो, आपको फोटोज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगी। इसके रियर कैमरा ने जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है दोस्तों। फिर चाहे मैं डायनेमिक रेंज की बात करूँ, तो आपको वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है। कलर रिप्रोडक्शन जो है वो भी थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आपको आर्टिफिशियल ज़रूर फील होगा कि AI जो है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट लगा के पिक्चर निकालती है, बट वो बुरी नहीं लगती है यार, अच्छी लगती है। मतलब आपको एडिटिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये सारा कुछ खुद ही करके देता है। सो आपने जस्ट पिक क्लिक करनी है और उसके बाद सीधा इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देनी है, आपको कुछ भी एडिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो डायनेमिक रेंज वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही, एक्सपोजर अच्छा रहा, शार्पनेस इसने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेंटेन की,
पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करता है। ऐसे मुझे कुछ दिक्कत वाली बात पोर्ट्रेट मोड में भी देखने को नहीं मिली। कलर्स भी जो हैं वो मुझे अच्छे लगे। और अगर मैं इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करूँ तो वो ठीक ठाक फोटोज़ ले लेता है। डे में अगर आप थोड़ा पिक्चर को जूम करोगे तो आपको नॉइज़ देखने को मिल जाएगी, और अगर आप लो लाइट में पिक्चर क्लिक करोगे तो लो लाइट में आपको ऐसे नॉर्मल पिक्चर में ही जो है वो नॉइज़ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कैमरा जो है वो दिया जा सकता था मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे 8 मेगापिक्सल भी जो है वो डे लाइट में अच्छा खासा काम कर लेता है। और अगर मैं इसके मैक्रो कैमरा की बात करूँ तो मैक्रो कैमरा तो 2 मेगापिक्सल के हिसाब से ही काम करता है। यहाँ पे लो लाइट में आपको कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलने वाली। हाँ, अगर आप डे लाइट में आउटडोर पिक्चर्स क्लिक करते हो तो ये अच्छी खासी पिक्चर जो है वो आपको क्लिक करके दे देगा। बाकी मैक्रो कैमरा मैं तो इतना यूज़ भी नहीं करता, अगर आप यूज़ करते हो तो ऊपर आई बटन में मैंने पोल दिया है, उसमें मुझे आंसर ज़रूर देना। परफॉर्मेंस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730G मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और 2.2 गीगाहर्ट्ज की इसकी क्लॉक स्पीड है। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। बट उसके बावजूद जब मैंने यहाँ पे पबजी ओपन करी तो उसकी जो ग्राफिक्स थी ये हाई प्लस HD प्लस हाई पे ही ये जो है वो सपोर्ट करता है, उससे आगे ये जो प्रोसेसर है नहीं जाता। एंड यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए भी जो है वो एड्रीनो का 618 GPU देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा जो है वो देखने को नहीं मिलता। बट उसके बाद जो है मैंने थोड़ी इसकी लिमिट्स को जो है वो पुश किया और मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे FPS को बढ़ाया, तो मैंने देखा कि आप यहाँ पे HDR प्लस एक्सट्रीम तक जो है वो गेमिंग कर सकते हो, और वो भी बिना लैग के यहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हो। बट अगर उसका मैं जो है वो एक फॉल्ट यहाँ पे बताना चाहूँ तो वो ये है कि आपको थोड़ी सी हीटिंग इशू उस वजह से देखने को मिलेंगे, बिकॉज आपकी ग्राफिक जो है वो हायर लेवल की हो जाती है, थोड़े से हीटिंग इशू फोन में आने और शुरू हो जाएंगे। एंड अभी तो यहाँ पे गर्मी भी नहीं है, तो जब गर्मी पड़ेगी तब उस दौरान मैं नहीं कह सकता कि आप FPS सॉफ्टवेयर लगा के गेम प्ले कर पाओगे या फिर नहीं, या फिर आपको HD प्लस स्मूथ में ही करना चाहिए। बट अगर मैं नॉर्मल गेमिंग की बात करूँ तो यार वो काफ़ी ज़्यादा मक्खन रही और मुझे कुछ भी पबजी में प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिली। और अगर मैं वैसे भी फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एकदम बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कहीं भी आपको लैग या फिर हैंग इशू जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में आपको UFS 2.1 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से जो आपका ऐप लोडिंग टाइम है यानी कि आप ऐप खोलते हो और बंद करते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी एडवांटेजेस लगी मुझे और काफ़ी पसंद भी आया मुझे ये फ़ोन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इसकी देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट अनलॉक और अगर फेस अनलॉक की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट अनलॉक जो है वो पहले मुझे लगा था कि छोटा सा आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है तो हो सकता है मुझे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जैसे जैसे मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया तो मैं इस फ़ोन के जो है वो हैप्चुअल होता गया और मुझे कुछ भी फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफी ज्यादा एक्यूरेट काम करता है। वहीं पे अगर मैं फेस अनलॉक की बात करूं तो फेस अनलॉक भी एकदम बटरी स्मूथ यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, कुछ भी उसके अंदर भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा स्मूथ उसका रिस्पांस देखने को मिलेगा। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको 6GB की रैम देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से जो रैम मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगी मुझे इस फोन की। तो अगर आप 5-6 ऐप्स भी खोलोगे और वापस से स्विच करोगे तो आपकी ऐप्स जो है वो दोबारा रीलोड नहीं होगी, तो ये जो है मुझे काफी ज्यादा बढ़िया चीज लगी। और पोको जो है वो स्टार्टिंग ही 6GB रैम से कर रहा है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार कि मतलब आपको बेस वेरिएंट में ही 6GB की रैम देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको जो लैग वगैरह का इशू है वो और कम होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, 64GB, 128GB एंड 256GB। मेरे पास यहाँ पे 128GB वाला वेरिएंट है और आप भर भर के यहाँ पे कुछ भी ऐप्स वगैरह कर सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो 64 मेगापिक्सल वाले कैमरा से आप पिक्चर क्लिक करोगे तो उसकी जो फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, वो 20+ MB की फाइल भी हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप ले रहे हो फ़ोन तो मेरे हिसाब से 128GB वाला वेरियंट आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज अगर आप पिक्चर या फिर वीडियोग्राफी का शौक रखते हो तो।
ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी बैटरी की एंड चार्जिंग परफॉर्मेंस की, तो क्या अल्टीमेट फोन है यार। यहाँ पे कुछ सुनने में मिल रहा था कि 120 हर्ट्ज की वजह से जो है वो आपको बैटरी की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी स्मूथ देखने को नहीं मिलेगी, आपकी बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होगी, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। 4500 mAh की यहाँ पे इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिलती है, जिसका बेनिफिट ये है कि आप अगर फोन को हैवी यूज भी आप अपने फोन का करते हो तो भी आपकी बैटरी जो है वो पूरा दिन निकाल देने वाली है यहाँ पे। और अगर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के ऊपर भी आप अपने फोन को रखते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यहाँ पे उस फोन को 60 हर्ट्ज पे जो है वो स्विच किया ही नहीं, ऑल द टाइम मैंने इसको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के ऊपर रखा और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर पबजी भी खेली, तब भी जो मेरा फोन है वो एक दिन जो है वो पूरा चार्ज निकाल देता है। और वहीं पे अगर मैं इसके चार्जर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 27 वॉट का फास्ट चार्जर इसके साथ देखने को मिल जाता है, जिसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लगी, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। आपको जस्ट जो है वो अपना फ़ोन को चार्ज लगाना है और 10 से लेके 100% तक ये जो फ़ोन है वो एक घंटे के अंदर अंदर ही चार्ज हो जाएगा और पूरा दिन निकल जाएगा उस चार्जिंग में आपका। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको जो चार्जिंग एंड बैटरी की परफॉर्मेंस है वो कितनी बढ़िया देखने को मिलती है। हाँ, अगर आप कवर लगा के चार्जिंग करते हो तो मैंने ये नोटिस किया ये एक दो बार कि आपका फ़ोन जो है वो हल्का सा हीटअप हो जाता है, तो इसके अंदर ये भी मुझे एक कॉन लगा कि चार्जिंग के दौरान फास्ट चार्जिंग होने की वजह से ये जो फ़ोन है हल्का सा हीटअप हो जाता है, तो कहीं गर्मियों में जो है वो इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी स्लो देखने को आपको ना मिले। खैर, वो तो टाइम ही बताएगा, जब गर्मियाँ आएंगी तब मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा कि किस तरह की आपको इसकी चार्जिंग जो स्पीड जो है वो देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो गाइज इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स, और साथ ही में आपको यहाँ पे MIUI 11 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो फ़ोन जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अगर आप शुरुआती दौर में जब फ़ोन को सेटअप करते हो तो कुछ सेटिंग्स वहाँ पे अगर आप कर लेते हो तो आपको एड्स भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, और मुझे भी यहाँ पे उन सेटिंग्स को ऑफ करने के बाद कोई भी एड जो है वो देखने को नहीं मिली। तो ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, और MIUI 11 जो है वो काफ़ी बढ़िया एक MIUI अब बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये एक बेकार OS है या कुछ बिल्कुल ही रद्दी OS आपको देखने को मिलता है। तो कलर OS भी अब जो है वो Realme OS बन के काफ़ी बढ़िया हो चुका है, और MIUI 11 भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल लगी। ओवरऑल ये जो फ़ोन है ऑप्टिमाइज्ड है, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बगी सा फ़ोन है, आप कुछ बग MIUI में देखने को मिलेंगे। अब MIUI 11 जो है वो पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है और मुझे कुछ भी बग वगैरह ऐसा MIUI में देखने को नहीं मिला। ओके गाइस, ओपिनियन टाइम। तो अब मुझे क्या लगता है कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग फ़िलहाल जो ये फ़ोन है मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, बिकॉज 16-17 हज़ार रुपये की कीमत के अंदर आपको काफ़ी अच्छी फीचर्स यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। आपको 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, UFS 2.1 की आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 730G आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, बैक एंड फ्रंट साइड दोनों साइड ही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, 27 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो ना है आपको एक कंप्लीट पैकेज साइज फोन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और अगर मैं बात करूँ इसके कैमरास वगैरह की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही लगे यार मुझे, मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इसके कैमरास की जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर आप कैमरा का यूज़ करते हो, चाहे आप गेमिंग यूज़ करते हो, चाहे आप डे टू डे यूज़ करते हो, ये आपको थोड़ी सी ना जो है वो प्रीमियम फील देने वाला है। हाँ, इसका डिज़ाइन में कुछ कमियां जो है वो मुझे ज़रूर लगी, जो कि थोड़ी सुधारी जा सकती थी, बट एनी हाउ अगर आप फीचर्स वाइज देखोगे तो ये जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देता है। तो हम जो डिज़ाइन के थोड़े फ्लॉज हैं उनको थोड़ा साइड में रख सकते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज, यही था मेरा ओपिनियन पोको X2 के बारे में। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।